हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक्स बताऊंगा जिस ट्रिक से आप किसी भी कितने भी लंबे सेंटेंस को आप फटाक से बना सकते हैं चुटकियों में। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, छोटे मोटे सेंटेंस अगर आप बनाना जानते हैं तो बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखते रहना और शुरू से अंत तक वीडियो को देखना ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और आप समझने से बाकी न रह जाए। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक सेंटेंस हमने लिया, वह खेलता है। आप जानते हैं दिस इज अ सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट इन्फिनिटी टेंस। तो प्रेजेंट इन्फिनिटी टेंस का ये सेंटेंस है, वह खेलता है, ही प्लेस। ओके, ये छोटा सा सेंटेंस है। अब इसको हम लंबा करते जाते हैं। आपको सेंटेंसेस में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब को लिखना है। तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब को लिख दिया। अब उसके बाद जो भी इसमें जुड़ेगा उसके बाद ही हम उसको लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए वह खेलता है, हम अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, सेंटेंस यही है, बस इसमें बढ़ता जा रहा है, उसको हम कैसे बनाते जाएंगे। ही प्लेज, वह क्रिकेट खेलता है, इसमें क्रिकेट जुड़ गया तो क्रिकेट। ओके, इसको हम और लंबा करते हैं, वह रोज क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अभी ये जो मेन चीज है ये अभी भी बरकरार है उसमें, बस रोज इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया। तो वह सब्जेक्ट खेलता है, वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले हम लिखते हैं, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट रोज, डेली। ओके, इसी सेंटेंस को हम और लंबा करते हैं, वह रोज शाम को क्रिकेट खेलता है। देखिए इसी सेंटेंस को हम बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लेकर चले गए, ठीक है, इतना लंबा हो गया है। तो इसमें आपको कोई भी नर्वस होने की या घबराने की जरूरत नहीं, कह रहे यार इतना लंबा सेंटेंस हो गया तो हम बनाएंगे कैसे। बहुत ही इजी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट और वर्ब सबसे पहले आपको लिख देना है और उसके बाद जो भी उसके साथ जुड़ता जा रहा है उसको हम लिखते जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि इतनी लंबी सेंटेंस एक बार में आएगा तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा जुड़ता जा रहा है, वो तो एक ही सेंटेंस दिखेगा लंबा सा। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। वह खेलता है, वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। ही प्लेज क्रिकेट, वो डेली खेलता है। उसके बाद अदर्स आ जा रहा है, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आते जाएगा कि हम उसके बाद क्या लिखे और क्या लिखना चाहिए। ही प्लेज क्रिकेट डेली, अब इसमें क्या जुड़ा है? वह रोज शाम को क्रिकेट खेलता है, डेली तो हो गया, यहां तक हो गया, शाम को डेली इवनिंग। ओके, अब इसको हम और बड़ा करते हैं, वह रोज शाम को मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। इसमें अब क्या साथ में जुड़ गया? मेरे साथ, ठीक है, बाकी यही सब रहेगा, पूरा का पूरा यही लिखेंगे, ही प्लेज क्रिकेट डेली इन इवनिंग विथ मी, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि हम इवनिंग के बाद विथ मी लिखते हैं, हम विथ मी को पहले भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, जो मेन चीज है उसको पहले लिखना है। ही प्लेज क्रिकेट विथ मी, आप पहले भी लिख सकते हैं, ही प्लेज क्रिकेट विथ मी डेली इन इवनिंग। ओके फ्रेंड्स, इसको हम अभी और भी लंबा कर सकते हैं, आप इसको जितना भी लंबा करते जाइए, जो मेन चीज है उसको पहले रखकर और आप उसके बाद बनाते चले जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि डेली इवनिंग हम पहले क्यों लिखेंगे, विद मी पहले क्यों नहीं लिखेंगे, तो आप विद मी भी पहले लिख सकते हैं, ही प्लेज क्रिकेट विद मी डेली इन इवनिंग। ओके फ्रेंड्स, हम एक और सेंटेंस लेते हैं अलग तरीके का, अलग टेंस का, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
वे लोग मेरे घर आ रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया दे और वर्ब क्या हो गया आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग कंटिन्यूअस है, इसके लिए आर कमिंग बोलेंगे हम। दे आर कमिंग कहाँ आ रहे हैं, मेरे घर, टू माई हाउस। ओके, वे लोग आ रहे हैं, ये छोटा सा सेंटेंस हुआ, वे लोग आ रहे हैं, उसको हमने वे लोग मेरे घर आ रहे हैं थोड़ा लंबा बनाया, दे आर कमिंग टू माई हाउस। अब इसको हम और भी लिख देते हैं लंबे करके, वे लोग चार आदमी के साथ मेरे घर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, चार आदमी के साथ, ये इतना लंबा और जुड़ गया। तो जो मेन चीज़ है वो हम पहले लिखेंगे, दे आर कमिंग, ये मेन है, दे आर कमिंग, सब्जेक्ट वर्ब लिख देंगे हम, टू माई हाउस। अब यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि टू माई हाउस हम पहले क्यों लिखे, हम चार आदमी के साथ पहले क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर कमिंग टू माई हाउस विथ फोर पर्सन, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दे आर कमिंग विथ फोर पर्सन टू माई हाउस। ओके फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप या तो इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, टू माई हाउस को, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बोलना है, बस मेन चीज जो है उसमें हेरफेर नहीं होना चाहिए, दे आर कमिंग ये नहीं होना चाहिए हेरफेर, दे आर टू माई हाउस कमिंग ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, दे आर विथ फोर पर्सन टू माई हाउस कमिंग ऐसा भी नहीं लिखना है। जो मेन चीज है सब्जेक्ट वर्ब वो पहले होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद अदर्स में जो भी आ रहा है लिखते चले जाइए, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को आप लीजिए, उसको आप बड़ा बनाते जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको ये पहचान में आना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, बस हो जाएगा। तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट हो गया यू, और यहाँ पे चाहिए है जो मेन वर्ब के रूप में है, तो शूट, यू शूट, और सेकेंडरी वर्ब है प्ले, यू शूट प्ले, ये मेन चीज़ हो गया, यू शूट प्ले। ओके, अगर आपको पता होगा इसके बारे में तो आपको बहुत ही ईजी होगा, यू शूट प्ले। अब इसको हम बढ़ाते हैं, तुम्हें शाम को खेलना चाहिए, तुम्हें शाम को खेलना चाहिए, तो हो जाएगा यू शुड प्ले इन इवनिंग, ठीक है, तुम्हें शाम को क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले इन इवनिंग क्रिकेट। हम क्रिकेट को पहले भी बोल सकते हैं, यू शुड प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, क्योंकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया है तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यू शुड प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, तुम्हें शाम को मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट इन इवनिंग विथ मी, तुम्हें हर शाम को मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट विथ मी इन एवरी इवनिंग। ओके फ्रेंड्स, तुम्हें जीतने के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट टू विन। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से चाहे जितना भी लंबा सेंटेंस हो आप उसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं, बस आपको सब्जेक्ट और वर्ब की सही पहचान हो जाए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करते वक्त। ओके फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा एग्जांपल दिया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लंबे से लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि अब आप और क्या सीखना चाहते हैं, मुझे और क्या पढ़ाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे, और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।